कैसे आप दोस्तों? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ऑसम ट्रिक बताऊंगा कि आप भी हैरान हो जाएंगे, पर आपको लास्ट में पता ही चल जाएगा, पर आपके दोस्त हैरान हो जाएंगे। जैसे कि आपने पढ़ा है या सुना है, मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किसी भी ना इंटरनेट के प्ले स्टोर को ओपन कर सकते हैं और जैसे कि ब्राउज कर सकते हैं या कौन सा भी पेज खोल सकते हैं। पर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे आप दोस्तों? आपने जैसे ही सुना है कि आज के इस वीडियो में प्ले स्टोर की एक ऑसम ट्रिक बताऊंगा, पर इससे पहले आपको पता है कि मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दिए और खासकर मुझे कमेंट कीजिए, मतलब मुझे आइडियाज आते जाएंगे कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स है उन्हें कौन सी वीडियो चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो मोबाइल डाटा है वो अभी बंद है। आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल डाटा बंद है और मैंने इसे बिल्कुल बंद करके ही रखा है। तो जो अब मैं आपको ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ, सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाइए और एक बार मैं दिखा, नेट ऑफ है। तो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर खोलने जा रहा हूँ, ये खुल रहा है। जैसे कि आप कोई भी वीडियो ऑफ नहीं किया और कुछ भी नहीं किया है, ये सब आपकी आंखों के सामने आ गया है। ये सारे गेम्स, ये सारे फोटोज वीटोज सब आ गए हैं। पर मैं एक सूचना देना चाहता हूँ, हाँ आपको पता ही चल गया, वही तो मैं सूचना देना चाहता हूँ कि ये एक फेक वीडियो है। तो ये आप देख सकते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे सब सारे फोटोज आ रहे हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ FPSC emulator, तो देखिए अगला पेज भी खुल गया है। जैसे भी स्क्रॉल डाउन करते हैं या फिर फोटो आ रहे हैं, कुछ कुछ ले आ रहे। तो इसके पीछे का रिजल्ट मैं आपको बता दूं, पहले सबसे क्या कर लिया था, पहले अपना मोबाइल डाटा ऑल कर लिया था, पहले ये सर्च किया था, जब FPSC emulator को सर्च किया था, उसके बाद मैंने ऐसा ही बिना लेट किए हुए चालू किया था और मैंने देखा, वे भी शॉक हो गया था। तो इसी तरह दोस्तों आप भी अपने दोस्तों को शॉक कर सकते हैं। अब जैसे कि वे यहाँ पे डायबॉल्स वर्ल्ड आपको ओपन करके दिखाऊंगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे कह रहा है कि वाईफाई और सेलुलर मोबाइल डाटा, कि ये थी आपकी छोटी सी ट्रिक। सिर्फ आप पहले अपना मोबाइल डाटा ऑन कर लीजिए, जो भी ऐप सर्च कर रहा है वो कर लीजिए और अपने दोस्तों को फुल बुलाइए। जैसे कि आप और एक दिखा रहा हूँ, डूडल RB2, देख सकते हैं आप फिर से आगे, पर इस बार मैं आप लेट ओपन लेट चालू करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। दोस्तों आप अभी सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियो पॉज क्यों किया है, मेरा जो लेट था वो ओपन ही, जो वो मेरा नेट है वो चालू ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसे पॉज कर लिया था। वो फिर 15 मिनट बाद जरा सा ऑन हो गया। तो इसी तरह मैं आपको डूडल RB2 ओपन करके दिखाता हूँ, अभी मेरा नेट ऑन है, पर जब मैंने आपको वो ट्रिक बताई थी तब मेरा ये नेट ऑफ ही था। और अब देख सकते हैं कि डूडल RB2 मिनी मलेशिया ये एक ऐप ओपन हो गया है। तो इसी तरह एक मिनट में ऑफ कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि आप ट्रिक कैसे कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये नहीं, मुझे नहीं पता, पर गारंटी आप जब प्ले स्टोर में ये ज़्यादा देर तक ऑन रखेंगे तब ये हो जाएगा। मैं अभी थोड़ा सा वीडियो नहीं रहने दो, वीडियो बंद नहीं करता मैं। अब मैं प्ले स्टोर में जाता हूँ, जैसे कि फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और हाँ, डूडल RB2 मिल गया, मैं क्लिक कर लेता हूँ। देखते हैं दोस्तों ये ओपन होता है कि, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये ओपन हो चुका है। जैसे आपको ये पहले बता रहा था कि वाईफाई नेट पर, अभी ये ओपन हो चुका है। तो इसी तरह आप
दोस्तों को ये ट्रिक बता सकती है, पर इससे पहले आपके दोस्तों को ये पता नहीं होना चाहिए कि आपने पहले नेट कर लिया। तो ये एक ऑसम ट्रिक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे खास करके कमेंट्स कीजिए। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है, वो उन्होंने अभी कमेंट करना कम कर दिया है। तो आप मुझे कमेंट कीजिए, यानी कि मुझे पता चलेगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स को कौन सी वीडियो चाहिए। तो धन्यवाद।